हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरैक्शन ऑफ गामा रेज़ विद मैटर। इंटरैक्शन ऑफ गामा रेडिएशंस विद मैटर। हम अल्फा एंड बीटा का इंटरैक्शन पहले कर चुके हैं मैटर के साथ और अब हम पढ़ने वाले हैं गामा रेज़ का इंटरैक्शन। इसका इंटरैक्शन अल्फा और बीटा के इंटरैक्शन से टोटली डिफरेंट है। अल्फा और बीटा का इंटरेक्शन का बेसिक प्रोसेस होता है आयनाइजेशन और एक्साइटेशन, और जैसे जैसे वो मीडियम में मूव करते जाते हैं अपनी एनर्जी धीरे धीरे लॉस करते हैं। किसी भी एक सिंगल इंटरेक्शन में अपनी एनर्जी नहीं देते, उनका नंबर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। बट अगर गामा रे के इंटरेक्शन की बात करें, इसका इंटरेक्शन इस तरह होता है कि अगर कोई भी गामा रेडिएशन किसी मैटर पे फॉल करती है किसी भी मीडियम पे, सो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर एज इट इज़ पास हो जाती है। सो इसका इंटरेक्शन होता है इधर कम्प्लीट और नॉट, या तो पूरे की पूरी अपनी एनर्जी दे देती है या तो फिर ये इंटरेक्ट ही नहीं करती। गामा रेज़ का इंटरेक्शन और अल्फा बीटा के इंटरेक्शन में हमने डिफरेंस देख लिया। गामा रेज़ क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ। गामा रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर ओरिजन। दैट मीन्स व्हेन अ न्यूक्लियस कम्स इनटू द, अगर हमारा अल्फा और बीटा की अगर आप बात करें इंटरेक्शन होता है, उसके बाद गामा रेज निकलती हैं। जब भी कोई एक न्यूक्लियर प्रोसेस होती है और पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होता है, दिस वन इज डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियस, और ये डॉटर न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में है, देन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग ऑफ गामा रेडिएशन। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये गामा रेडिएशन एमिट करता है। इनका इसका न्यूक्लियर ओरिजन होता है, न्यूक्लियर ओरिजन होने की वजह से दीज आर मोस्ट एनर्जेटिक वन। अगर आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कंपेयर करेंगे द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशंस आर द गामा रेडिएशंस, और इनकी वेवलेंथ की रेंज की बात करो, इट लाइज बिटवीन 10^-14 टू 10^-10 मीटर। इस रेंज के बीच में इनकी रेडिएशन लाई करती है। मैं आपको ऑलरेडी गामा और अल्फा बीटा के इंटरेक्शन में जो डिफरेंस है वो चीज़ बता चुकी हूँ, और फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं कि जो गामा रेडिएशन होती है वो तीन टाइप से इंटरेक्ट करती है मीडियम के साथ। वन इज योर फर्स्ट प्रोसेस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड प्रोसेस इज योर क्वांटम स्कैटरिंग, थर्ड प्रोसेस इज योर पेयर प्रोडक्शन। ये जो दो प्रोसेस होती हैं ये जब गामा रेज आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब होती है, फोटो इलेक्ट्रिक एंड क्वांटम स्कैटरिंग। एंड पेयर प्रोडक्शन हैपन्स व्हेन गामा रेज इंटरेक्ट विद द, ये तब होगा जब गामा रे इंटरेक्ट करेंगी न्यूक्लियस के फील्ड के साथ। ओके, मैं हल्का हल्का आपको बता रही हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपके पास एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, आउटर कोर में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल में, गामा रेडिएशन आई उसने इसको एनर्जी दी और ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ है, गामा रे इंटरेक्ट करेगी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड, अगर क्वांटम स्कैटरिंग की बात करें, दिस वन सेकेंड प्रोसेस क्वांटम स्कैटरिंग। क्वांटम स्कैटरिंग वहाँ होती है जब एनर्जी गामा रेडिएशन की मोर देन है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एलिमिनेट, इससे बहुत ज़्यादा, इसकी रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि जब गामा रे है इसके साथ इंटरेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसके बाद सपोज कीजिए इंसिडेंट गामा फोटोन आया। ध्यान रखना फोटोन या रेडिएशन को आप स्ट्रेट लाइन से शो ना करके इस तरह कर्वी रेडिएशन से कर्वी लाइन से शो करेंगे, दिस इज योर न्यूक्लियस, आउटर इलेक्ट्रॉन है शेल में, सो यहाँ गामा रे आई उसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस से बाहर आ गया। बट ये जब इंटरेक्शन हुई ये तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस था,
जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसकी स्कैटरिंग होगी तो हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ी सी एनर्जी गेन होके कर ली और एक्साइटेड स्टेट में चला गया या फिर बाहर आ गया। इस इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्ट किया, ये बाहर आ गया बट कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और इस साथ ही साथ एक और फोटोन निकलेगा जिसकी वेवलेंथ हायर होगी, ऑफ हायर वेवलेंथ। ओके, हायर वेवलेंथ होगी मतलब इस एनर्जी का कुछ पार्ट ये इलेक्ट्रॉन ले गया और कुछ पार्ट एक और फोटोन निकला है जिसकी वेवलेंथ हायर है, दैट मीन्स एनर्जी कम है। एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है ना, ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैमडा। ओके, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा और मैटर के बाहर आ जाएगा और ये जो फोटोन है इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं होगा। जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ होगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। सेकेंड प्रोसेस ये हो सकती है कि ये जो फोटोन आया है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कैटरिंग करेगा। स्कैटरिंग को इस सेंस में ले सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी ली मटेरियल से रिमूव होने में और वो बाहर चला गया, और कुछ एनर्जी में वो और एक और साथ ही फोटोन निकला है जो कि हायर वेवलेंथ का या फिर कम एनर्जी का, यानी इंसिडेंट की एनर्जी दो पार्ट में हो गई है, एक और फोटोन निकला और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। दिस इज क्वांटम स्कैटरिंग। थर्ड इज योर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इंटू मास। इसमें एनर्जी आपकी मास में कन्वर्ट होती है। सपोज कीजिए गामा फोटोन है, इसके लिए एनर्जी और ज़्यादा चाहिए और इस प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी है इट शुड बी 1.02 MeV। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी तभी ये प्रोसेस पॉसिबल होगी। सपोज कीजिए गामा फोटोन आया, अगेन दिस इज न्यूक्लियस, आउटर शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। मैं बहुत बुरी तरह ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से ड्रॉ करिएगा, इतना गैप नहीं होता। ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये फोटोन न्यूक्लियस के फील्ड में आ जाता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, न्यूक्लियस का फील्ड इस पे लगना शुरू हो रहा है, तो अब ये एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक पॉजिट्रॉन बाहर आता है। टोटल इनकी डायरेक्शन, इनकी एनर्जी इस तरह होती है कि जो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम जो है फॉलो करते हैं। ओके, सो ये जो तीन प्रोसेस होती है मेन जिसके थ्रू गामा रेज इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, ये तो हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिए कि गामा रे और अल्फा बीटा के इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस है और ये किन तीन प्रोसेस के थ्रू वो इंटरेक्ट करती है। अभी अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे कि गामा रेडिएशन किस तरह इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है बेसिक इसका। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये किस तरह आया या फिर गामा जब रेडिएशन डिस्कवर हुई किसने इसको किया। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हर्ट्ज ने इसको ऑब्जर्व किया था। हर्ट्ज वाज एन साइंटिस्ट, इन्होंने 1887 में ऑब्जर्व किया कि अगर एक कोई भी मेटेलिक सरफेस, कोई भी अगर मेटल की बात करें उस पर अगर एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट इम्पिंज करवाई जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। सो सबसे पहले हर्ट्ज ने ये चीज़ 1887 में ऑब्जर्व की कि व्हेन अ मेटल इज इम्पिंज बाय अ सूटेबल लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ। ध्यान देना मैं लाइट को हमेशा कर्वी वेव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं और सूटेबल वेवलेंथ या फिर यू कैन से वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। और साथ ही साथ उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डालते हैं, अब आप सोचोगे कि मेटल तो हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं और लाइट तो आप आती रहती है, बट ये वाली लाइट की हम बात नहीं कर रहे, लाइट ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ जो कि यूवी रीजन से तो शुरू होती है और यूवी लाइट का आपकी डेली लाइफ में कोई भी ज़्यादा रोल नहीं होता है, इंटेंस यूवी लाइट का।
सो ही ऑब्जर्व कि जब वो यूवी लाइट इम्पिंज करवाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को आप देख तो सकते नहीं. सो हाउ डज ही नो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं. उन्होंने यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगाया था. स्पार्क प्लग था जो कि मेटल सरफेस का बना हुआ था, और उसके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल करवाई गई. इलेक्ट्रॉन निकले और उस स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हुई. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कंडक्शन पाथ बनेगा, कंडक्शन होगी तो स्पार्किंग होगी. सो उस एयर में एक स्पार्किंग हो जाती है, और साथ ही के साथ यहाँ पे कंडक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग, उन्हें इस तरह पता चला था. सो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू. द फर्स्ट वन इज कि व्हेन अ यूवी लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन अ न्यूट्रल जिंक प्लेट, यूवी लाइट को अगर आप न्यूट्रल जिंक प्लेट पे इम्पिंज करवाते हो, सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. उस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव. यूवी लाइट को जिंक प्लेट पे डालोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है. फर्दर न्यूट्रल जिंक प्लेट पे डालते हो, अगर यूवी लाइट को नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे डाल रहे हो, जिंक इज अ मेटल, नेगेटिवली जिंक चार्ज जिंक प्लेट पे डालोगे तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है. इट विल लूजेस इट्स नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स न्यूट्रल. ओके, सो थर्ड कंक्लूजन वाज, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे हॉर्ट्स ने, कि अगर यूवी लाइट को पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे आप इमेज करवाएंगे तो वो और ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट विल बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज. सो इन सबसे आपको ये क्या कंक्लूजन मिल रहा है? इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जिंक प्लेट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है. न्यूट्रल थी तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज खत्म होकर न्यूट्रल होगा. पहले ही पॉजिटिवली चार्ज थी और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और किसी भी सरफेस में से का पॉजिटिवली चार्ज होना है दैट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर. सो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं जब यूवी लाइट फॉल होती है किसी भी एक मेटल सरफेस पे. ओके, तब तक हमें ये नहीं पता था कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल निकल रहे हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स. उन्होंने तीन अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखे, यूवी लाइट और जिंक के साथ. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूवी लाइट जब न्यूट्रल जिंक पे जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव जिंक प्लेट पे जाती है तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे डालते हो तो उसका उस पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो जिंक प्लेट है वो यूवी लाइट डालने से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करती है. और थॉमसन ने ई बाय एम एक्सपेरिमेंट जब कैथोड रेज किए थे, थॉमसन ने 1916 में इस इफेक्ट को स्टडी किया और ई बाय एम रेशियो निकाली इन चार्ज पार्टिकल की. एंड ही कंक्लूडेड कि जो कैथोड रे में जो चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी ई बाय एम रेशो, और ये जो जिंक प्लेट से निकल रहे हैं चार्ज पार्टिकल इनकी ई बाय एम रेशो दे आर सेम. सो दैट मीन्स जो पार्टिकल निकल रहे हैं अगर उनकी ई बाय एम रेशो सेम है सो द पार्टिकल्स आर ऑल्सो सेम. सो ही कंक्लूडेड कि जब यूवी लाइट को जिंक प्लेट पर डाला जाता है यूवी लाइट को, तो जो आपके पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे दैट आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो आइंस्टीन ने फर्दर इस इफेक्ट को स्टडी किया. आइंस्टीन ने ये चीज़ देखी और उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. सो उन्होंने फर्दर इस चीज़ को स्टडी किया आफ्टर दिस 1916. उन्होंने विजिबल लाइट ली और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उन्होंने सरफेस अलग अलग ले लिए. अभी तक ये जिंक और यूवी लाइट पे था, तो उन्होंने देखा कि विजिबल लाइट का अलग अलग मेटल्स पे क्या इफेक्ट होता है, और कॉमनली इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आइंस्टीन के बारे में आप सबने सुना होगा. आइंस्टीन के बारे में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आइंस्टीन को सब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से पहचानते हैं ज़्यादा, कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन
के बारे में बताया स्टार्ट में, बट आइंस्टीन को जो नोबल प्राइज मिला था दैट इज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था. आइंस्टीन गॉट द नोबल प्राइज फॉर दिस, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, आइंस्टीन नोबल प्राइज. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आइंस्टीन को नोबल प्राइज किस चीज़ पे मिला, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था. ना ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे मिला, ना ही किसी और चीज़ पे मिला. आई होप इट इज़ क्लियर, आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या. मैं फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ फिनोमिना, इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट कह लो या फिर लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंटेड अपॉन इट. ओके, और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस वजह से मिलते निकल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से लाइट की वजह से निकलते हैं, और लाइट क्या होती है, फोटो फोटोन्स. सो द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन्स उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो ये तो था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या. अब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हमने ये पढ़ लिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किसने किया था. सबसे पहले तो ऑब्जर्व किसने किया था, हॉर्ट्स ने, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था. फिर थॉमसन ने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और फर्दर आइंस्टीन ने उसे एक्सप्लेन किया और जर्नलाइज किया. अब वो एक्सप्लेनेशन क्या थी हम वो अभी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी की एक्सपेरिमेंटली ये मेजर कैसे किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं. सो देखिए, इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए, सबसे पहले आपके पास इसमें एक फोटो सेंसिटिव प्लेट भी होती है. फोटो सेंसिटिव प्लेट मीन्स किसी भी एक मेटल सरफेस पे की बात कर सकते हैं, जो कि जिसका वर्क फंक्शन या कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन सबमिट करेगा या जो फोटोन्स के सेंसिटिव होगा. दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट. फोटोन्स के सेंसिटिव होगी, दैट मीन्स फोटोन्स अगर फॉल होंगे तो इलेक्ट्रॉन सबमिट होगी. दैट वाज दिस इज नेम्ड. यहाँ पे इसको एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखा जाता है. इवैक्यूएटेड ट्यूब में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है. अगर ये एयर में या किसी और मीडियम में होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मीडियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे और हमें एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा. ओके, सो पी वो है, दिस सी इज अ कलेक्टर प्लेट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के काम आएगी. दिस इज अ कलेक्टर प्लेट, दिस इज अ फोटोसेंसिटिव प्लेट, और साथ ही यहाँ पे एक ग्लास विंडो होती है ऊपर. दिस इज अ ग्लास विंडो W. यहाँ से आपके लाइट फोटोन्स आएंगे इस फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर. ओके, S सोर्स जिससे लाइट फोटोन्स आ रहे हैं इस प्लेट के ऊपर. प्लेट के ऊपर फोटोन्स आएंगे. फोटोन्स आते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ध्यान दो कि हमें अभी मेटल सरफेस के बारे में कुछ नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं. उन्होंने सिर्फ ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, बाद में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था कि
किस तरह निकल रहे हैं और ये जो बिहेवियर या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे. दिस इज माइक्रो एम्पियर. ओके, यहाँ से आप करंट नोट करेंगे, ये कुछ नहीं है. एक एम्पियर एमीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, साथ ही साथ इसे ग्राउंड पे किया गया. यहाँ बैटरी लगी हुई है, हाई टेंशन बैटरी है कि आप अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं. इसको इस पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ. दिस इज रेजिस्टेंस आर. दिस इनफैक्ट वुड गो इन द मिडल ऑफ दिस. ओके, ये पार्ट जरा सा हो गया. ये जो चार्ज है, रेजिस्टेंस है, ये इसके मिडल में लगाया गया है. दिस इज अ रियोस्टैट. रियोस्टैट को इसीलिए लगाया गया ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई कर सकें. इस प्लेट को इसके मिडल से कनेक्ट करके फर्दर ग्राउंड किया गया है ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो. कलेक्टर का पोटेंशियल हम इसकी पोजीशन चेंज करके वेरी कर सकते हैं. इसको डिजायर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके आ सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे आए हैं वो उनका फंक्शन समझ आ गया होगा. ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये विंडो है, ग्लास विंडो जिससे लाइट वेव्स आ रही हैं. दिस इज अ कलेक्टर प्लेट. यहाँ माइक्रो एम्पियर लगा है जो करंट नोट करेगा. दिस इज अ वोल्ट मीटर. हाई टेंशन बैटरी है. प्लेट पी को न्यूट्रल कर रखा है ग्राउंड पे और ये रियोस्टैट के थ्रू कनेक्टेड है कलेक्टर प्लेट. इसका पोटेंशियल हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं. अगर आप इसको इस एंड पे ले आओगे तो दिस विल बी नेगेटिव. इसको इस एंड पे ले आओगे दिस विल बी पॉजिटिव. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो लेट मी शो फ्रॉम बुक. दस ये इस तरह कनेक्ट होती है कलेक्टर प्लेट सी. यहाँ से रेजिस्टेंस के बिल्कुल मिडल में भी हमने रखी हुई है ताकि इस पे अप्रोप्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल रहे. प्लेट पी को हमने ग्राउंड कर रखा है यहाँ से. ओके, सो यहाँ सोर्स से आपके पास यूवी लाइट आती है. सो यहाँ पे अब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया. जैसे यूवी लाइट आएगी, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी. अब क्योंकि ये कलेक्टर प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, दिस इज ऑल इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब. ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ट्रैवर्सिंग इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि कलेक्टर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरह. ओके, सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. लाइट की इंटेंसिटी वो बढ़ाते गए. इंटेंसिटी आई होप आप सबको पता है, नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. सो अगर हम इंसिडेंट फोटोन्स की इंटेंसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. ओके, सो दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोटो करंट नोट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो इफ यू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट टूवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, अगर इसकी इंटेंसिटी और इसमें करोगे, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस. सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम. आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी. सो अगर आई इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन वॉज योर दैट योर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी
बढ़ाते जाएंगे आपके पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाएगा, लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, ये फैक्टर आपको एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ, वैसे तो सीधा सा इफेक्ट है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्री इसके ऊपर ज़्यादा आते जा रहे हैं, नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स मेटल सर्फेस पे आएंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस सर्फेस से एमिट होते जाएंगे। सो दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, सो इंटेंसिटी का आपको समझ आ गया होगा रिलेशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे मेजर करते हैं और इंटेंसिटी के साथ ये किस तरह वेरी करता है ये चीज़ पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।